हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज है। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने एयर इंडिया इंजीनियरिंग के टेक्नीशियन के स्ट्राइक के बारे में बात किए थे। हम बता दें कि एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन स्ट्राइक के पहले मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को लीगली तरीके से एप्लीकेशन भेजे थे कि हम 17 जनवरी को स्ट्राइक पर जाएंगे, जिसे सेंट्रल लेबर कमिश्नर ने एक वर्चुअल मीटिंग फिक्स किया जो एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच था। ये मीटिंग 15 जनवरी को हुआ है, जिसमें टेक्नीशियन ने अपने मुद्दों को कमिश्नर के सामने रखा। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि वो टेक्नीशियन के क्या क्या मुद्दे थे। तो टोटल टेक्नीशियन के 4 मुद्दे थे। सबसे पहला, इक्वल वर्क इक्वल पे। सेकेंड, इंक्लूडिंग डीए इन सैलरी। थर्ड, सैलरी रिविजन। फोर्थ, करियर प्रोग्रेशन। तो चलिए अब आगे बात करते हैं इन मुद्दों पे क्या डिसीजन निकला। टेक्नीशियन और मैनेजमेंट की बात सुनकर कमिश्नर ने मैनेजमेंट से कहा कि इनके डिमांड का डिसीजन जल्द से जल्द लिया जाएगा, जिसमें मैनेजमेंट ने इनके डिमांड को इंप्लीमेंट करने के लिए 1 वीक का समय मांगा है, जिसमें टेक्नीशियन 1 वीक के लिए एग्री हुए हैं और स्ट्राइक को डेफर्ड किया गया है। अब मीटिंग का नया डेट 24 जनवरी को लेबर कमिश्नर द्वारा फिक्स किया गया है, जिसमें ये बताया जाएगा कि टेक्नीशियन के डिमांड का क्या रीजन निकला जाएगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। अब मिलूंगी आपको मैं नए वीडियो के साथ में, जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगी कि एयर इंडिया इंजीनियरिंग का क्या फाइनल रिजल्ट निकला। सो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।